देहरादून हाईवे पर मोतीचूर फ्लाईओवर पर एक सेंट्रो कार आग का गोला बन गई। कार सवार पिता पुत्र ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी भयंकर थी कि कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। चमोली जिले के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन से प्रभावित चमेड़ा, चटवा, पीपल और नंदप्रयाग का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा के लिए लाइन बोर्ड और रिफ्लेक्टर लगाने के भी निर्देश दिए। जिले के दुबोलिया थाना क्षेत्र में मूक बांधिर महिला से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 14 सितंबर को मूक बांधिर महिला जो अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी एक युवक ने महिला के साथ रेप किया, जिसके बाद उसके पति की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। घटित मूक बधिर महिला के साथ बलात्कार की घटना में वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना दुबोलिया पर दिनांक 15/9/24 को मुकदमा अपराध संख्या 160/24 धारा 364(2)(k) VNS व 3/2 5 SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया। पीलीभीत में गणपति की मूर्ति विसर्जन के दौरान नगरपालिका ने ब्रह्मचारी घाट पर पन्नी की व्यवस्था की थी। विसर्जन के बाद पालिका कर्मचारियों ने पन्नी हटा दी, जिससे विरोध हुआ। पालिका अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने कहा कि त्रिपाल हर बार चोरी हो जाता है, इसलिए हटाया गया। वो पन्नी चुकी एक्चुअली में हर बार वो जो त्रिपाल पड़ता है वो हर बार त्रिपाल चोरी हो रहा था। इस वजह से जब सारे विसर्जन पूरे हो गए थे तो सुपरवाइजर को ऐसा लगा कि अब विसर्जन आज आखिरी दिन था, आज पूरे हो गए तो कहीं रात में पन्नी चोरी ना हो जाए, इसलिए उसने वो साइड की निकाल के वहीं एक जगह सुरक्षित रखी। भदोही में जिलाधिकारी विशाल सिंह ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रों से संवाद कर उन्हें प्रेरित किया और वृक्षारोपण कर पर्यावरण की महत्ता बताई। छात्रों को प्राचीन भारतीय इतिहास, पाषाण काल और सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दी। हरदोई में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के किसानों ने आरटीओ कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। उन्होंने अवैध टैक्सी स्टैंड बंद करने और ज्यादा किराया वसूली का आरोप लगाया। सिनेमा चौराहे पर कुछ मैजिकें लगती हैं जो कि सवारियों को विभिन्न क्षेत्रों में ले जाती हैं। जो मूल उनकी मांग थी कि वो अक्सर अधिक दूरी की सवारियों को प्रेफर करते हैं, कम दूरी की सवारियों को वो नहीं बैठाते हैं, जिससे कि जनपद मुख्यालय के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि वे बैठाते भी हैं तो ये कहते हैं कि हमें यहाँ से जैसे बघौली या संडीला या लखनऊ तक का किराया चाहिए, मतलब उनसे जो वो दूरी चलते हैं उससे अधिक किराए की मांग करते हैं। इस संदर्भ में मैंने कोई स्पेसिफिक वाहन के बारे में जानना चाहा तो इनके द्वारा एक वाहन का जिक्र किया गया है जिसके द्वारा ऐसा किया गया है। झांसी के बड़गांव कस्बे में देर रात एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे पूरे कस्बे की बिजली गुल हो गई। कस्बे वासियों ने बिजली विभाग को कई बार फोन किया, लेकिन ना तो कोई जवाब मिला और ना ही कोई मदद पहुंची। महाराजगंज के जगदौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक संविदा कर्मचारी को सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल की शिकायत पर हटाया गया। विधायक ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कर्मचारी मरीजों से 1 रुपए की बजाय 2 रुपए वसूल रहा था। हरदोई में बीजेपी से जुड़े सिख समुदाय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला फूंका। उन्होंने राहुल पर अमेरिका में सिखों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी, उन्होंने जो अमेरिका ने बयान दिया है बड़ा गलत दिया है सरदारों के लिए, कि सरदारों को हिंदुस्तान में पगड़ी पहनने की, कड़ा पहनने की, कच्छा पहनने की कोई इजाजत नहीं। जितनी इजाजत हिंदुस्तान में सरदारों को है इतनी किसी देश में इजाजत नहीं है। कानपुर में मौसम विभाग ने यूपी में अगले 3 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल से यागे तूफान के चलते 17 जिलों में भारी बारिश और 30 जिलों में वज्रपात की संभावना है। प्रमुख प्रभावित जिलों में बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कानपुर नगर और झांसी शामिल है। देवरिया में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरजू, गंगा, यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में सभी सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने 2017 से पहले की कानून व्यवस्था पर चर्चा करते हुए कहा कि अब महिलाएं बिना डर के घर से बाहर निकल रही हैं। चमोली में कर्णप्रयाग के पास चटवी पीपल में 3 दिनों से बंधित बद्रीनाथ हाईवे आज फिर से खुल गया, जिसमें जाम में फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने डेंजर जोन का निरीक्षण करते हुए NHIDCL को स्थानीय समाधान के आदेश दिए। भटवाड़ी के बुकी के पास एक वाहन लापता होने की सूचना मिली। वाहन की खोज के लिए SDRF पुलिस और राजस्व टीमों ने कार्रवाई शुरू की, जिसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्नाव में संचालित फैक्ट्री में चल रही मशीन में फंसकर एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद फैक्ट्री में काम करने वाले अन्य मजदूरों ने जमकर हंगामा काटा। अरे मशीन चल रही थी, सुबह काम शुरू हुआ, मशीन चल रही थी और वो माल छील रही थी। पता नहीं कैसे क्या हुआ कि हम गिनती पे बैठे थे, पता नहीं कैसे क्या हुआ उनकी साड़ी फंस गई। मिस्त्री जाने नहीं पाया कि मशीन चल रहा है और वो फंस गई है। उसके बाद जब मिस्त्री को पता चला तो मशीन बंद की, लेकिन बंद करने के बावजूद भी वो खत्म हो चुकी थी मशीन।
संभल के गांव भक्ता नगला के ग्रामीण पिछले 100 सालों से पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं करते हैं। इसकी शुरुआत एक ब्राह्मण महिला के अपमान से हुई, जिसने गांव में श्राद्ध कराया था। उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, जिससे ग्रामीण ने श्राद्ध कर्म पर रोक लगा दी। अब इस गांव में श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मणों का आना जाना प्रतिबंधित है, जबकि अन्य अवसरों पर वो गाँव में आते जाते हैं।